नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। EWS पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलग अलग राज्य आबादी के हिसाब से आरक्षण को बढ़ाने में लगे हुए हैं। झारखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का नया कोटा तय कर दिया है। सरकार ने आदिवासी वर्ग यानी ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण, अनुसूचित जाति यानी SC को 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी दी है। उम्मीद की जा रही है कि 1 या 2 दिसंबर को आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में इसे पेश किया जाएगा। विधानसभा से मंजूरी के बाद राज्य में आरक्षण की नई व्यवस्था बहाल हो जाएगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सीमा 81% तक हो जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार इस विधेयक के साथ एक संकल्प पारित करने पर विचार कर रही है। इसमें केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा कि वो छत्तीसगढ़ के आरक्षण कानून को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कर ले। अधिनियम के नवी अनुसूची में शामिल होने का प्रभाव ये होता है कि उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को अधिकतम 50% करने का बैरियर लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही EWS आरक्षण के लिए 10% पर मोहर लगाते हुए 50% आरक्षण सीमा पर अपना रुख बदलने का संकेत दिया। तब इसने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा के बाद भी आरक्षण देने में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद से ही राज्यों में आरक्षण को बढ़ाने की होड़ लग गई है। इससे पहले छत्तीसगढ़ ने भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित करते हुए राज्य में आरक्षण को 77% तक कर दिया था। बिहार की नीतीश सरकार भी ऐसा करने का संकेत दे चुकी है। नीतीश ने 50% की कैप को हटाने की भी मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में 10% EWS आरक्षण के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। बुधवार को इस याचिका को कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर किया और इस फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। लाइव लॉ के अनुसार पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में OBC की आबादी 50% से अधिक है, लेकिन MP में राज्य सेवा एवं शिक्षण संस्थान में OBC को मात्र 13% आरक्षण दिया गया है। SC कम्युनिटी की आबादी 16% है और उन्हें 16% का आनुपातिक आरक्षण मिला है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का 20% है और उन्हें 20% का आनुपातिक आरक्षण मिला है। हालांकि OBC समुदाय को उनकी कुल जनसंख्या से बहुत अधिक होने के बावजूद केवल 14% आरक्षण मिल रहा है। याचिका में दावा किया गया है, लेकिन अगड़ी जाति की आबादी केवल 6% है और EWS के लिए 10% आरक्षण अगड़ी जाति के गरीबों को दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि संख्या स्पष्ट रूप से बताती है कि 10% का यह आरक्षण अनुपातहीन और 6% के आंकड़े पर पहुंचने के लिए कोई आधार या औचित्य नहीं है। केवल अगड़ी जाति के EWS को प्रदान किया गया 10% आरक्षण समानता का उल्लंघन है और भेदभाव के बराबर है। गुजरात में हुए मोरबी पुल हादसे के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने आज कहा कि मोरबी सिविक बॉडी ने निजी ठेकेदार यानी अजंता द्वारा पुल की गंभीर स्थिति को लेकर दी गई चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री के बेंच ने कहा कि अजंता कंपनी और मोरबी सिविक बॉडी यानी नगर पालिका के बीच हुई बातचीत का ध्यान टिकटों की कीमतों और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर रहा। चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की बेंच ने कहा कि अजंता कंपनी और मोरबी सिविक बॉडी यानी नगर पालिका के बीच हुई बातचीत का ध्यान टिकटों की कीमतों और कॉन्ट्रैक्ट को रखने पर अधिक था, बजाय पुल की गंभीर हालत होने के बावजूद उसकी मरम्मत पर। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी सवाल किया कि राज्य ने गुजरात नगर पालिका अधिनियम की धारा 263 के तहत नगर पालिका की जगह लेने की शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये प्रावधान राज्य को शक्ति के दुरुपयोग, डिफॉल्ट आदि के मामले में एक नागरिक निकाय को भंग करने की अनुमति देता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मोरबी नगर पालिका से सवाल किया कि उसने अजंता को अगस्त 2017 से मार्च 2022 के बीच पुल का रखरखाव करने की अनुमति क्यों दी, जबकि इस बीच पुल की मरम्मत के लिए नगर पालिका और अजंता के बीच समझौता भी नहीं था। मोरबी पुल हादसे को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुजरात सरकार को राज्य के सभी पुलों का सर्वे कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है और सरकार को यह भी पता लगाना होगा कि पुल सही स्थिति में है या नहीं है। कोर्ट ने कहा अगर नहीं है तो ठीक करा जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर नहीं है तो ठीक किया जाए। इसके साथ ही मोरबी पुल हादसे में मृतकों और घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर भी सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा यह मुआवजा बहुत कम है और सरकार को मृतकों और घायलों को उचित मुआवजा देना चाहिए। उचित मुआवजे का भुगतान करना समय की ज़रूरत है। कोर्ट ने कहा कि गंभीर रूप से घायलों को दिया जाने वाला मुआवजा भी कम है। कोर्ट ने राज्य से इस मामले में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने और मुआवजे के लिए एक नीति बनाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा पर्याप्त नहीं। कोर्ट ने कहा कि हम पीड़ित परिवारों को दिए जा रहे मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं।
एक परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मिलना चाहिए। इसके अलावा जब एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने अदालत को बताया कि माता पिता को खोने वाले बच्चों को 3,000 रुपए मासिक का भुगतान किया जाएगा, तो चीफ जस्टिस कुमार ने कहा, ये क्या है मिस्टर एडवोकेट जनरल, केवल यूनिफॉर्म और किताबों में ही ये खर्च हो जाएगा। बता दें, इस घटना में 7 बच्चे अनाथ हो गए और 12 बच्चों ने अपने माता पिता में से एक को खो दिया। राजस्थान में एक बार फिर गहलोत बनाम पायलट का टकराव शीर्ष पर आ गया है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को एक बार फिर गद्दार कहा है। एनडीटीवी से बात करते हुए गहलोत ने पायलट पर जमकर सीधा हमला बोला। गहलोत ने कहा कि एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। एक ऐसा शख्स जिसके पास 10 विधायक भी नहीं है, ऐसा शख्स जिसने विद्रोह किया, उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, वो गद्दार हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अशोक गहलोत ने एनडीटीवी से बात करते हुए 2020 में पायलट गुट की बगावत के बारे में कहा, यह संभवतः हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा जब एक पार्टी अध्यक्ष ने अपनी ही सरकार गिराने की कोशिश की। गहलोत ने कहा, ये सरकार गिरा रहे थे, इसमें अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे, उन लोगों के बीच दिल्ली में बैठक हुई थी। गहलोत ने कहा कि सचिन के साथ मौजूद विधायकों में से किसी को 5 करोड़ मिले, किसी को 10 करोड़, और ये रकम दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से उठाई गई। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि सचिन पायलट कैंप के लोगों से मिलने के लिए धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से बातचीत के लिए भेजे गए नेताओं को मुलाकात नहीं करने दी गई। एनडीटीवी से बात करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 90 से अधिक गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे की धमकी को लेकर कहा, वो विधायक मुख्यमंत्री यानी मेरे वफादार नहीं थे, वो हाईकमान के वफादार थे। उन्होंने कहा कि वो उस विवादास्पद बैठक में शामिल नहीं थे और कहा कि इसका दोष सचिन पायलट के सिर मढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ये थ्योरी उड़ाई थी कि उन्हें सीएम बनाया जाने वाला है। एक अफवाह उड़ाई गई कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा, उन्होंने खुद ही इसे फैलाया था। लोगों को लगा कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, इससे विधायक नाराज हो गए कि उन्हें कैसे सीएम बनाया जा सकता है, जबकि उन्होंने अपनी ही सरकार को गिराने की कोशिश की थी। बता दें, हाल ही में जब अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी, तब राजस्थान में विधायकों की बैठक आलाकमान के निर्देश पर बुलाई गई थी, लेकिन गहलोत समर्थक विधायक उस बैठक में शामिल नहीं हुए और उन्होंने अलग बैठक की। साथ ही स्पीकर को इस्तीफा देने की बात कही। इस दौरान गहलोत से जब बार बार पूछा गया कि अगर पार्टी हाईकमान पायलट को मुख्यमंत्री बनाना ही चाहती हो, इस पर गहलोत ने कहा कि पायलट को कैसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उन्होंने इस फैसले को हाईकमान पर नहीं डाला, बल्कि बार बार कहा कि पायलट को सीएम नहीं बनाया जा सकता है। इससे साफ हो गया कि गहलोत किसी भी हाल में पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं, फिर चाहे किसी का भी फैसला हो। अशोक गहलोत के द्वारा सचिन पायलट पर हमला करने के बाद राजस्थान बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अब जुमा 4 दिन की है। पूनिया ने पायलट के साथ सरकार गिराने की कोशिश में बीजेपी के शामिल होने के दावे को खारिज किया और कहा कि गहलोत का दावा बेबुनियाद है, वो अपनी नाकामी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। पूनिया ने कहा कि 4 साल के इलू इलू के इस खेल में यदि कोई हारा है तो वो राजस्थान की जनता है। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने आज चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र मैकेनिज्म की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। लाइवलो के मुताबिक कोर्ट ने पार्टियों को 5 दिनों के भीतर 6 पेज तक का संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि जब संविधान कहता है तो आप किसी को 6 साल से कम कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक स्पष्ट प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए, जिसमें कोई मनमानापन ना हो। उन्होंने कहा कि बेंच इस खालीपन को भर सकती है। वहीं अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने कहा, इस तरह की राह तब तक नहीं अपनाई जा सकती जब तक कोई ट्रिगर पॉइंट ना हो। यहाँ कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है, अंतर को अमूर्त तरीके से नहीं लगाया जा सकता है, नियुक्ति का एक तरीका होता है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भी सवाल उठाया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अदालत ने कहा कि सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया की जो फाइल कोर्ट में जमा कराई है, उसको देखने से ही पता चलता है कि पूरी प्रक्रिया में सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है। पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा इस अदालत ने देखा कि गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल को बिजली की गति से मंजूरी दे दी गई। बता दें कि अरुण गोयल ने पिछले शुक्रवार को अचानक वीआरएस लिया था और शनिवार को उन्हें सरकार ने ईसी नियुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल को सरकार से मांगा था। सरकार की ओर से आज गुरुवार को इस फाइल को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ की संवैधानिक बेंच के सामने पेश किया गया। 5 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को कहा, यह किस तरह का मूल्यांकन है, हम अरुण गोयल की साख की योग्यता पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की मूल फाइल को देखने के बाद हैरानी जताते हुए कहा कि 1985 बैच के आईएएस अधिकारी गोयल को एक ही दिन में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस मिल गई। उनकी फाइल को कानून मंत्रालय ने एक ही दिन में मंजूरी दे दी। फिर चार नामों का एक पैनल प्रधानमंत्री के सामने रखा गया और गोयल के नाम को मंजूरी मिली। फिर उसी 24 घंटे के अंदर राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी। यह जल्दबाजी क्यों? बेंच ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से यह भी पूछा कि ऐसे व्यक्ति को क्यों नियुक्त किया गया जिसका कार्यकाल अनिवार्य रूप से 6 वर्ष की अवधि का नहीं होगा। जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि कभी कभी किसी न किसी वजह से नियुक्तियों में तेजी की जरूरत होती है। हालांकि ये वैकेंसी 15 मई को निकली थी। क्या आप हमें 15 मई से 18 नवंबर तक दिखा सकते हैं कि आपने क्या किया? सरकार पर क्या दबाव था कि आपने एक दिन में ही ये नियुक्ति सुपरफास्ट तरीके से की? उसी दिन प्रक्रिया, उसी दिन क्लियरेंस, उसी दिन आवेदन, उसी दिन नियुक्ति। फाइल ने 24 घंटे के लिए भी सफर नहीं किया। ये बिजली की तेजी क्यों? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वो कौन सा मानदंड था जिसके आधार पर कानून मंत्री ने चार नामों को शॉर्टलिस्ट किया था जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री को उनकी मंजूरी के लिए की गई थी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि शॉर्टलिस्टिंग के लिए कुछ निश्चित आधार हैं, जैसे कि वरिष्ठता, रिटायरमेंट, चुनाव आयोग में उनका होने वाला कार्यकाल, ताकि जिसे नियुक्त किया गया है उसे चुनाव आयुक्त के रूप में कम से कम 6 साल का समय मिले। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जिन चार नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया था वो भी सरकार ने ऐसे लोगों के नाम चुने जिन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में 6 साल भी नहीं मिलेंगे। आपको उन लोगों को चुनने की आवश्यकता है जिन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में 6 साल मिलने चाहिए। उन्होंने कहा यह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 1991 की धारा 6 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील से कहा कि आपने अभी कहा कि जिस श्रेणी में हाल ही में नियुक्ति की गई है उस श्रेणी में कोई अन्य अधिकारी नहीं है, जबकि एक ही कैडर से ऐसे कई नाम हैं। हम सूची पढ़ सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपने कैसे नाम का चयन किया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इस आयु वर्ग के लोगों को फिल्टर करने के लिए क्या तंत्र अपनाया है। फिलहाल सुनवाई जारी है। दिल्ली की जामा मस्जिद में अकेली लड़कियों की एंट्री पर रोक लगाने के नोटिस को वापस ले लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इमाम शाही अहमद बुखारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मस्जिद के बाहर लगे बोर्ड को हटा दिया जाएगा। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शाही इमाम बुखारी से बात की और उनसे आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद इमाम बुखारी इस आदेश को रद्द करने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी अनुरोध किया है कि आने वाले लोग मस्जिद की पवित्रता का सम्मान बनाए रखें। बता दें, जामा मस्जिद के इस नोटिस की महिला आयोग समेत बाकी लोगों ने भी आलोचना की है। जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने तीनों एंट्री गेट पर एक नोटिस लगा दिया था जिस पर लिखा है, जामा मस्जिद में अकेली लड़की या लड़कियों के समूह का प्रवेश वर्जित है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर लड़की या लड़कियों के साथ कोई पुरुष अभिभावक नहीं है तो उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा भारतीय सेना पर दिए अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गई हैं और अब उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी है। दरअसल भारतीय सेना की उत्तरी कमांड के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि जब भी भारत सरकार आदेश देगी सेना पीओके पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना सरकार के हर आदेश के लिए तैयार है। इस ट्वीट के जवाब में अभिनेत्री ने लिखा था, गलवान सेज हाय, यानी गलवान याद करें। इसके बाद अभिनेत्री विवादों में आ गई और अब माफी मांगनी पड़ी है। अभिनेत्री ने अपनी माफी को ट्वीट कर लिखा है कि मेरा ये इरादा कभी नहीं हो सकता, फिर भी विवाद में घसीटे गए इन 3 शब्दों ने अगर किसी को दुख पहुंचाया हो तो मैं माफी मांगती हूं और ये भी कहूंगी कि मेरे शब्दों ने अगर गैर इरादतन भी फौज में मेरे भाइयों के अंदर ये भावना पैदा की हो तो मुझे बहुत दुख होगा। ऋचा चड्ढा के द्वारा सेना पर की गई टिप्पणी के बाद बॉलीवुड की हस्तियां भी उनके विरोध में उतर आई हैं। अभिनेता अक्षय कुमार ने ऋचा के ट्वीट को लेकर लिखा है, ये देखकर दुख होता है, हमें कभी भी अपने सशस्त्र बलों के प्रति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, वो हैं तो आज हम हैं। मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर कहा है, कभी गर्व से कहता था कि मैं हिंदी फिल्म उद्योग में काम करता हूँ, आज शर्मिंदगी होती है कि मैं उस उद्योग का हिस्सा हूँ जहाँ ऐसी घिनौनी सोच पनाह लेती है। प्रिय बॉलीवुड, अगर आप ऐसे देशद्रोहियों का बॉयकॉट नहीं कर सकते तो अपने बॉयकॉट होने की शिकायत दोबारा मत करना। कश्मीर फाइल्स बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री ने लिखा है, मैं इस व्यवहार से बिल्कुल भी हैरान नहीं, दिल की बात जुबान पे आ ही जाती है और फिर वो पूछते हैं कि लोग बॉलीवुड का बॉयकॉट क्यों करते हैं। श्रद्धा हत्याकांड मामले को लगातार लव जिहाद से जोड़ने की कोशिश जारी है। इस बीच गुजरात के अहमदाबाद में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, ये लव जिहाद का मामला नहीं है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की राजनीति बिल्कुल गलत है, ये लव जिहाद का मामला है ही नहीं, ये महिला की हत्या, उस पर जुल्म, अत्याचार का मामला है।
हमने इसकी निंदा की है। देश के मर्दों के दिमाग में महिलाओं पर जुल्म करने की बीमारी है, उनके दिमाग का इलाज कराना चाहिए। बता दें, आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा की क्रूर ढंग से हत्या कर दी थी। दोनों लंबे समय से लिव इन रिलेशन में थे। अब तक आ चुकी रिपोर्ट में बताया गया है कि श्रद्धा से आफ्ताब लगातार मारपीट करता था और उसके खिलाफ 2020 में श्रद्धा ने पुलिस को शिकायत भी दी थी। हालांकि मुंबई पुलिस के अनुसार जब पुलिस इस पर कार्रवाई करने जा रही थी तभी श्रद्धा ने शिकायत को वापस ले लिया था। श्रद्धा हत्याकांड मामले में अभियुक्त आफ्ताब पूनावाला को आज पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए दिल्ली के रोहिणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ले जाया गया है। इससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट बुधवार को होना था लेकिन आफ्ताब को बुखार और ठंड लगने के कारण नहीं हो पाया। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। भारत के चूहे नशाखोर होते जा रहे हैं। कभी तो उनके शराब पीने की खबर आती है तो कभी भांग खाने की। अब मथुरा पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि पुलिस थाने के मालखाने में रखा गया गांजा चूहे खा गए। कोर्ट भी कम नहीं, उसने कहा कि सबूत पेश करो। मथुरा कोर्ट पर थाना शेरगढ़ है। ये थाना दिल्ली आगरा हाईवे पर पड़ता है। इसके मालखाने में 500 किलोग्राम गांजा रखा हुआ था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने वो गांजा पेश करने का आदेश दिया। उसी के जवाब में पुलिस ने ये अजीबोगरीब जवाब दिया कि मालखाने में रखा सारा गांजा चूहे खा गए हैं। पुलिस का ये तर्क सुनने के बाद अतिरिक्त जिला जज ने SSP मथुरा अभिषेक यादव को चूहों के खतरे से छुटकारा पाने और इस बात का सबूत देने का आदेश दिया कि चूहों ने वाकई 60 लाख रुपए कीमत का 581 किलोग्राम गांजा हजम कर लिया है। पुलिस ने कोर्ट को दी अपनी सफाई में कहा, चूहों का आकार छोटा होने के कारण उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है। SHO हर समस्या को सुलझाने में विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। यात्रा बुधवार सुबह मध्य प्रदेश पहुंची थी जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ सहित कांग्रेस के तमाम विधायकों और नेताओं ने इसका जोरदार स्वागत किया था। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में विधानसभा की 230 सीटें हैं। राहुल गांधी ने मालवा और निमाड़ के जिस मार्ग को अपनी यात्रा का मुख्य हिस्सा बनाया है उसमें कुल 66 सीटें हैं। आमतौर पर इस क्षेत्र में ज्यादा सीटें जीतने वाला दल ही राज्य की सत्ता को हासिल करता है और वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने इन सीटों में से भाजपा से 3 सीटें कम पाकर भी सरकार बनाई थी। फरार हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने भारत में प्रत्यर्पण से बचने के लिए लंदन की कोर्ट में गुरुवार को अर्जी लगाई है। इस अर्जी में उसने भारत प्रत्यर्पित करने के कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी है। अगर लंदन की कोर्ट इस पर विचार करती है तो ये मामला फिर अगले साल तक खिसक जाएगा क्योंकि जल्द ही कोर्ट में क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली हैं। नीरव मोदी ने इस महीने की शुरुआत में मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर छूट मांगी थी लेकिन लंदन हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। इसमें कोई जोखिम नहीं था कि उसका सामना करने के लिए उसे भारत प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण या दमनकारी होगा। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी पर करीब $2 बिलियन का पंजाब नेशनल बैंक घोटाला करने का आरोप है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे। वो जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे। पिछले काफी दिनों से पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ को लेकर वहां की सरकार लगातार विचार कर रही थी। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन सेना के तीनों सशस्त्र बलों के बीच समन्वय का काम करता है। साथ ही वो PM और नेशनल कमांड अथॉरिटी का प्रमुख सैन्य सलाहकार भी होता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई और उसमें इन नामों को मंजूरी दी गई। अब इन नामों को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।